Hello, students. So, we are back again uh, with the same chapter planning in sports. Today, we are taking various committees and their responsibilities and tournament. In the previous video, we have discussed this uh, about these committees and the tournament. So, in these videos, we are taking committees and their responsibilities and tournament, what types of tournament, etc. So, here we go. Various types of committees and their responsibilities. So today's sports tournament are participated with great enthusiasm among large number of teams. A well organized tournament is one of the best method of for evaluating the skills of a team. Good tournament has healthy competition, and to organize it, a good planning is also required.

होते हैं बहुत इंथुजियाज से पार्टिसिपेट किया जाते हैं जिस सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको आई का आई आप लोगों ने देखा होगा कितने सारे प्लेयर्स होते हैं कितनी सारी टीम्स होती है तो एक वेल well ऑर्गेनाइज जो टूर्नामेंट होता है वो शो करता है कि हाँ आपकी टीम के अंदर कितनी स्किलफुल नॉलेज है और आप कितने अच्छे से टूर्नामेंट को या किसी फंक्शन को होस्ट कर सकते हो तो उसके लिए क्या चाहिए कि आपका कोऑर्डिनेशन कैसा है तो इन शॉर्ट हम बोलेंगे कि आप कैसे कमिटीज बनाते हो और कैसे कमिटीज का वर्क होता है वो सब हम अभी देखने वाले हैं तो कमिटीज़ को बेसिकली बहुत सारे वर्क्स होते हैं जब जब भी कोई टूर्नामेंट या फंक्शन या प्रोग्राम कुछ भी ले लेते हैं तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं उन कमिटीज़ के तो उनको इसने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है तो पहला है प्री टूर्नामेंट वर्क ड्यूरिंग टूर्नामेंट वर्क एंड पोस्ट टूर्नामेंट वर्क ठीक है तो पहले क्या करना होता है फंक्शन के पहले क्या वर्क होता है उस कमेटी का बाद में क्या वर्क होता है और ड्यूरिंग द फंक्शन क्या वर्क होता है वो सब हम देखेंगे तो सबसे पहले चेयरपर्सन और चीफ पेट्रोल और टूर्नामेंट डायरेक्टर जो सबसे हम हेड बोल सकते हैं कि ये किसी भी टूर्नामेंट का हेड होता है उसको ऑर्गेनाइज करवाना का सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज कमिटीज को कौन सा क्या वर्क देना है सारी चीजों का वर्क स्कैंड होता है तो इसके प्री वर्क क्या होते हैं ड्यूरिंग क्या वर्क करता है ये पोस्ट वर्क क्या होता है टू प्लान फॉर टूर्नामेंट टू कैसे प्लान करना है शेड्यूल कैसे करना है वो सारी चीजों का वर्क इस पर्सन पे होता है ये बोल सकते हैं कि इसके बेस पे ही टूर्नामेंट होस्ट होता है नाउ ड्यूरिंग वर्क टू लुक आफ्टर अरेंजमेंट वेलकमिंग द डिस्टिंग गेस्ट

या फिर हमको और क्या अच्छे से कर सकते थे या फिर टूर्नामेंट कितने लार्ज लेवल पे हुआ है इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है या फिर उस फंक्शंस का इम्पैक्ट क्या पड़ा है नेक्स्ट इज़ चीफ टेक्निकल एडवाइज़र ठीक है चीफ टेक्निकल एडवाइज़र इसका वर्क होता है आपके चीफ पेट्रोन को या फिर हेड को एडवाइस करना अच्छी एडवाइस देना कि सर हम ये काम ऐसे कर सकते हैं ये काम ऐसे कर सकते हैं ये पर्सन जो होता है वेल well क्वालिफाइड होता है एक्सपीरियंस होता है और एक्सपर्ट होता है किसी भी चीज़ या फिर रिलेटेड uh, फंक्शन या फिर रिलेटेड गेम में तो इसका प्री वर्क होता है टू चेक द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द टूर्नामेंट लाइक प्ले फील्ड इट्स मेकिंग इक्विपमेंट्स हेल्प इन मेकिंग फिक्सचर गाइड्स अदर ऑफिशियल्स सपोज अभी हम टूर्नामेंट्स की ही बात कर रहे हैं तो उसका प्री वर्क होता है कि वो ग्राउंड्स की मेंटेनेंस ग्राउंड कैसे बन रहे हैं इक्विपमेंट्स ऑफिशियल्स uh, कैसे आ रहे हैं कौन कौन ऑफिशियल्स अवेलेबल हैं शेड्यूल कैसे हो रहा है गेम का फिक्सचर्स टीम के बनाना किसका मैच किससे होगा ये सारी जो पहले के काम है ये इसके प्री वर्क है ड्यूरिंग वर्क सुपरवाइज करना सारी कमिटीज़ को कि, कि कौन वर्क कर रहा है कौन नहीं कर रहा है और टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ द टूर्नामेंट एज पर रूल ऑफ द गेम रूल्स के अकॉर्डिंग टूर्नामेंट को प्रोग्रेस चेक करना कि हाँ अगर फिक्सचर के अकॉर्डिंग जो टीम्स जीत रही है उनको नेक्स्ट मैचेस के लिए आ, उनकी आ, मैचेस का फिक्सचर्स बनाना या फिर जो टीम्स हा आ, मैच हार गया टूर्नामेंट से बाहर हुई है उनकी बोर्डिंग और वो सारी चीज़ें उनको सर्टिफिकेट्स वगैरह प्रोवाइड करना वो सारी चीज़ों का काम इसके पास है टू हैंडल द टेक्निकल डिस्प्यूट्स इन द टूर्नामेंट टू मॉनिटर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ द टूर्नामेंट बेसिकली इसका काम भी वही होता है जो चीफ का होता है बट ये चीफ के अंडर होता है और उन सबको एडवाइज करता है और डीपली किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना और देखना इसके ऊपर होता है ना पोस्ट वर्क पोस्ट वर्क यही होता है कि अब चीफ समराइज करेगा तो वो समराइज करेगा कैसे उसका जब उसके बाद रिपोर्ट आएगी तभी वो समराइज करेगा तो इस पर्सन का वर्क है कि जो भी टूर्नामेंट हुआ है उसको रिपोर्ट उसकी रिपोर्ट प्रिपेयर करना और टूर्नामेंट कितना तो अच्छे से हुआ है उसको फेडरेशन को या फिर जो भी उसके एसोसिएशन है उन वो रिपोर्ट उनको भी सेंड करना है कि हाँ इस टूर्नामेंट में इतना खर्चा हुआ है टूर्नामेंट बहुत अच्छे से हुआ है इन टीम इस ये टीम्स ने हमारे साथ बहुत मतलब कोऑर्डिनेट किया है बहुत अच्छे से बिहेव किया है इस टीम ने अच्छे से बिहेव नहीं किया है बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं पोस्ट पोस्ट टूर्नामेंट के बाद में ये उस चीज़ को रिपोर्ट में कंडक्ट करके चीफ के पास में सबमिट करता है नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बेसिकली होता है यूजअली फिजिकल एजुकेशन जिसके जिसके पास जो मतलब टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करता है जिसका काम होता है टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करना प्री वर्क टू डू ऑल द प्लानिंग फॉर द टूर्नामेंट टू गेट अप्रूवल्स फ्राम द हायर अथॉरिटी टू मेक अरेंजमेंट ऑफ द इुपमेंट्स स्कोर शीट ऑफिशियल टेबल सर्टिफिकेट्स टू कंसिडर अवेलेबल रिसोर्सेज डिस्टर्ब मतलब ये एक ऐसा पर्सन होता है जो इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवा रहा है या फिर इस टूर्नामेंट के लिए सारे वर्क इसने ही किए हैं ठीक है अब सारी चीज़ें जो ज़रूरत हैं जैसे कि इक्विपमेंट्स है स्कोर शीट है ऑफिशियल्स है ग्राउंड है और जो भी फिक्सचर्स हैं टीम्स हैं मैचेस कैसे होंगे कहाँ होंगे कैस मतलब कब होंगे ये सारी चीज़ों का जिम्मा इसके ऊपर होता है जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी होता है बेसिकली फिजिकल एजुकेशन टीचर या फिर उस कमेटी का कोच होता है डरिंग टू कॉर्डिनेट विद डिफरेंट कमिटीज़ फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ द टोर्नामेंट चेक ऑफ परफॉर्मेंट प्लेयर्स ऑथेंटिकेट मत अब इस पर्सन का काम होता है कि जो जिस सपोज जिस, uh, हम अंडर सेवेंटीन का कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं तो बच्चों की एज को वेरीफाई करना उनकी एलिजिबिलिटीज चेक करना उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स चेक करना कि प्लेयर फिट है अनफिट है और सारी कमिटीज़ के साथ में कोऑर्डिनेट uh, करना कि वर्क कैसा हो रहा है कोई डिफिकल्टीज तो नहीं आ रही है और जो भी प्रोटेस्ट है ऑब्जेक्शन है उन सारी चीज़ों को ये डील करता है पोस्ट वर्क टू गिव वर्ड ऑफ थैंक्स टू कंसर्न एंड टू मेक द फाइनल रिपोर्ट बजट रिपोर्ट एंड डिटेल फॉर हायर अथॉरिटीज अब उस जब टूर्नामेंट खत्म हो जाता है उसके बाद में वोट ऑफ थैंक्स देता है कंसर्न परसन को जो जो टूर्नामेंट जिसने आ, मतलब इसकी अथॉरिटी दी है कि हाँ आप टूर्नामेंट करवा लीजिए और जो जो, जो गेस्ट आए हैं और जिन जिन ने हेल्प किए हैं उन सबको वोट ऑफ थैंक्स देना उसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट बनाना जिसमें बजट कितना खर्च हुआ है पैसा कितने एक्सपेंसेस आए हैं उन सब की डिटेल्स आगे हायर अथॉरिटीज को सबमिट करना नेक्स्ट इज ग्राउंड अरेंजमेंट कमेटी ग्राउंड अरेंजमेंट कमेटी कौन सी होती है अब ये होते हैं सुपरवाइजर्स या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के कोऑर्डिनेटर्स जो सारे वर्क्स और फाइनेंस uh, रिलेटेड जो चीजें होती है उनको देखते हैं नाउ इनका प्री वर्क होता है टू डू ऑल द ग्राउंड अरेंजमेंट एज पर द रूल ऑफ द गेम अरेंजमेंट फॉर सेरेमनियल फंक्शन लाइक ओपनिंग सेरेमनी एंड क्लोजिंग सेरेमनी अब ओपनिंग सेरेमनी में क्या क्या सामान चाहिए कौन कौन से बुके लाना है कौन कौन सी आपकी गिफ्ट्स लाना है या फिर रिफ्रेशमेंट लाना है क्या चीजें चाहिए क्लोजिंग सेरेमनी में क्या चाहिए फ्लैग्स हो गए ग्राउंड पे डेकोरेशन के लिए क्या सामान चाहिए उन सब की रेस्पॉन्सिबिलिटी इन पे होती है नाउ ड्यूरिंग टू प्रोवाइड इक्विपमेंट्स फॉर मैचेस टू अरेंज अदर नीडफुल फैसिलिटीज नियर द प्लेफील्ड एक्सेट्रा ठीक है अब जो इक्विपमेंट्स चाहिए वो इनके अंडर में होते हैं तो ये उसको अवेलेबल करवाएंगे इनके पास सारी लिस्ट देगा ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के हाँ मुझे ये सामान चाहिए ये उन चीज़ को अवेलेबल करवाएंगे और भी जो जो फैसिलिटीज uh, चाहिए जैसे कि वाटर वाटर कैंस हो गई फर्स्ट एड बॉक्स हो गए जो भी uh, जरूरत है उन सबको भी ये अवेल करवाएगा ना पोस्ट वर्कआउट टूर्नामेंट खत्म होने के बाद उन सारी चीज़ों को कलेक्ट करना वापस से और रिटर्न करना ये सारी चीज़ें तो ये इसका पोस्ट वर्क होता है अब आता है आपका टेक्निकल कमेटी अब टेक्निकल कमेटी बेसिकली ये वे वो बंदे होते हैं जो ओनली गेम पे फोकस करते हैं जिनका एक्सपर्टाइज होता है उस गेम के ऊपर और ये ज्यादातर ऑफिशियल्स होते हैं इनका काम खाली गेम को वॉच करना है और इसके अलावा कोई काम नहीं है ना प्रीवर्क क्या होता है टू डू ऑल द अरेंजमेंट ओवर द प्ले फील्ड एज टेक्निकल रिक्वायरमेंट लाइक स्कोर शीट ऑफिशियल टेबल इक्विपमेंट्स ऑफ द गेम ठीक है अब इनका काम यही होगा क्योंकि ये जब मैचेस होते हैं उनसे पहले ही आते हैं तो स्कोर शीट देखना हाँ किस टीम का मैच है उसके लिए स्कोर शीट तैयार करना जो भी इक्विपमेंट्स टेबल के ऊपर चाहिए स्कोर टेबल के ऊपर बॉल्स वगैरह एयर प्रेशर बॉल में सही है या नहीं है आ, अगर किसी वॉलीबॉल का मैच है तो नेट सही है या नहीं है एंटीना सही है उस चीज़ को चेक करने का काम इनका है नाउ ड्यूरिंग टू मैनेज एंड कंडक्ट द गेम एज पर शेड्यूल टू परफॉर्म ड्यूटी एज रेफरी एम्पायरिंग ड्यूटी ड्यूरिंग द गेम टू हैंडल टेबल ऑफिशियल ड्यूटी टू मैनेज टाइम कीपर ड्यूटी टू फिल स्कोर शीट जो भी स्कोरिंग टेबल से जो भी रिलेटेड काम है या फिर गेम से रिलेटेड जो भी काम है मैचेस से रिलेटेड वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनकी है अब इनका पोस्ट वर्क क्या होगा वो यहाँ पे मेंशन नहीं है बट इनका पोस्ट वर्क क्या होगा जब भी टूर्नामेंट या मैचेस खत्म हो जाएंगे उनकी मैच जैसे सपोज कोई मैच हुआ है तो वो टीम कौन सी जीती है कौन सी आ रही है उसकी रिपोर्ट बनाना है कौन सी टीम आगे सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल प्री क्वार्टर फाइनल में जाएगी उसकी रिपोर्ट बनाना कौन सी टीम बाहर हुई है उसकी रिपोर्ट बनाना किसका स्कोर क्या रहा स्कोर आउट करना और सारे इक्विपमेंट्स वगैरह का ध्यान रखना ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक्निकल कमिटीज की है नेक्स्ट इज डिसिप्लिन कमेटी अब डिसिप्लिन कमिटीज के अंदर आते हैं आपके ज्यादातर स्पोर्ट्स टीचर और आपके अदर कोई भी स्टाफ भी हो ऐसे जरूरी नहीं कि वही आए बट कोई भी स्टाफ जिनको रेस्पॉन्सिबिलिटीज मिली होती है अब डिसिप्लिन कमेटी का वर्क बेसिकली यही है कि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखना है और पहले वो उस चीज़ को कैसे मैनेज करेंगे उस चीज़ को देखना है और बाद में प्लेयर्स की एंट्री एग्जिट बाद सारी चीज़ों को सेफली कैसे वो एग्ज़िट करेंगे उस चीज़ को देखना है तो इनका प्री वर्क होता है टू चेक द क्रूशियल एंड डेंजरस पॉइंट एंड मैक अरेंजमेंट अकॉर्डिंगली टू कंसिडर प्लेयर्स एंड स्पेक्टेटर्स सेफ्टी ठीक है पहले ये इन्वेस्टिगेट करेंगे कि हाँ कहाँ प्लेयर्स सेफली बैठ सकते हैं प्लेयर्स की रीच कहाँ तक हो सकती है या फिर जो प्लेस हैं वहाँ पे कैसे अरेंजमेंट करना चीज़ों का उनकी क्या क्या जरूरत है वो ग्राउंड अरें ग्राउंड जो मैनेजमेंट होते हैं उनको बताएंगे नॉट ड्यूरिंग द कमिटीज़ मैनेज दल डिस टूर्नामेंट चेकस एंड कंट्रोल वायलेंस इंश्योर डेट देर इज नो हंड्रेंस ड्यूरिंग प्रोग्रेस ऑफ द मैचेस मोनिटर स्पेक्टेटर्स ठीक है अब ये सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं जैसे कि स्पेक्टेटर्स में कोई वायलेंस क्रिएट ना करे लड़ाई झगड़ा ना हो या फिर टीम्स के बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो ये सारी चीज़ों को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसिप्लिन कमेटी की होती है पोस्ट वर्क क्या होता है इनका कि प्लेयर्स और स्पेक्टेटर्स सेफली बाहर चले जाए मैच खत्म होने के बाद में और कोई कोई वहाँ पर डिस्प्यूट ना हो रिसेप्शन कमेटी अब रिसेप्शन कमेटी यूजुअली ऑफिस स्टाफ होता है अब इनका प्री वर्क होता है कि टू अरेंज ऑल रिक्वायर्ड डिटेल्स एंड इक्विपमेंट्स टू गेट द शेड्यूल फिक्सर डिटेल्स टू बी अवेयर बाय ऑल बोर्डिंग एंड लॉजिंग रूल्स ऑफ द टूर्नामेंट टू चेक टीम डिटेल्स वेल इन एडवांस टू इंक्वायर अबाउट देयर बोर्डिंग एंड लॉजिंग अरेंजमेंट ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायरमेंट एंड प्लान अकॉर्डिंगली अब रिसेप्शन कमेटी का वर्क बेसिकली ऐसा होता है कि उसके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है क्योंकि जो भी पर्सन है प्लेयर्स हैं कोचेस हैं टीम मैनेजर्स हैं जो बाहर से आ रहे हैं वो सीधा आ, किसी भी इंफॉर्मेशन के पास इंफॉर्मेशन के लिए रिसेप्शन के पास जाएगा कि मुझे बोर्डिंग की क्या फैसिलिटीज़ है मुझे कहाँ बोर्डिंग मिला है फर्स्ट एड बॉक्स की क्या इंफॉर्मेशन है मैचेस कब होंगे फ़ीस सबमिट करनी है डिटेल्स हमारे प्लेयर्स के डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने वो सारी चीज़ें रिसेप्शन कमिटीज़ के पास होती तो उनकी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि उनको ये सारी चीज़ें चेक करना है तो वो उस चीज़ को पहले से ही तैयार करके रखेंगे कि कौन कौन से परफॉर्मर्स हमको रखने हैं टीम को कहाँ पे एंट्री करवानी है कहाँ पे उनके साइन लेने हैं कहाँ सिग्नेचर्स लेने हैं बोर्डिंग कैसे करवानी है किसको कौन सी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज देनी है वो सारी चीज़ें वो पहले देखेंगे नाउ ड्यूरिंग द टूर्नामेंट द फर्स्ट इंट्रैक्शन ऑफ द टीम इज डन बाय रिसेप्शन कमेटी मैंने आपको पहले ही बताया कि सारा वर्क रिसेप्शन कमेटी का होता है जो क्योंकि जो भी टीम आती है वो पहले रिसेप्शन कमेटी पे अपना चेक इन करती है वहां पे उनके डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं फिर उनको से बोर्डिंग फैसिलिटीज मिलती है, उसके बाद में कोई भी डिटेल उनको चाहिए तो ड्यूरिंग द टूर्नामेंट उनको रिसेप्शन कमिटी से इजीली मिल सकती है नाउ पोस्ट वर्क पोस्ट वर्क में टू चेक एंड रिफंड सिक्योरिटी अमाउंट टू टीम्स टू हैंड ओवर टू द डिपार्टिंग टीम्स अब जब टीम्स जाएंगी तब उनको जो भी हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट लिए हैं पहले उन सबको चेक करना और उनको रिफंड करना उसके बाद में उनको सर्टिफिकेट सबमिट करना जाते टाइम ये सारा वर्क रिसेप्शन कमेटी का होता है नेक्स्ट वन इज फाइनेंस कमेटी फाइनेंस कमेटी बेसिकली इनका नेम ही बता रहा है कि जो टूर्नामेंट हो रहा है उसमें कितना खर्चा आ रहा है उस चीज को अकोमोडेट करेंगे फाइनेंस कमेटी नाउ प्री वर्क होता है टू गेट डिटेल ऑफ अप्रोक्सीमेट एक्सपेंसेस अंडर वेरियस हेडिंग्स

ड्यूरिंग द टूर्नामेंट में क्या इनकी responsibility होती है टू प्रोवाइड फंड फॉर वेरियस एक्टिविटीज एंड कमिटीज टू कलेक्ट फंड फॉर फॉर मील्स द द टीम अब ड्यूरिंग ये तो इन्होंने पहले प्लान कर लिया कि कितना पैसा चाहिए कैसे खर्च होगा अब ड्यूरिंग द टूर्नामेंट में क्या होता है कि फंड को प्रोवाइड करना एक्टिविटीज और कमिटीज को सपोज अब ये हर चीज को जाके लेके नहीं आ सकते बट जिस, जिसको जो चाहिए वो वहां से आपकी फाइनेंस कमेटी से आके फंड कलेक्ट करेगा और इन द एंड ऑफ द टूर्नामेंट दे विल गिव देयर डिटेल एक्सपेंसेस और उसके बाद में जो भी टीम्स आ रही है उनकी मील्स के खर्चे या फिर कुछ भी जो भी एक्सपेंसेस है ये सारे कलेक्शन कौन करता है फाइनेंस कमेटी पोस्ट वर्क पोस्ट वर्क में टू प्रिपेयर एग्जैक्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ द टूर्नामेंट अब फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाने का काम अकाउंट इस अकाउंट अकाउंट डिपार्टमेंट या फिर फाइनेंस कमेटी का होता है नाउ बोर्डिंग एंड लॉजिंग और एकोमोडेशन कमेटी अब इनका काम होता है टीम्स को कैसे रुकवाना है उनको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है कैसे अवेलेबल करवाना है उनके साइन सिग्नेचर लेने हैं कितने सामान हमने उनको दिए हैं सही और कितने सामान हमने वापस कलेक्ट किए हैं ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनकी होती है प्री वर्क में आएगा टू गेट द डिटेल ऑफ़ द आउट स्टेशन टीम एंड देयर बोर्डिंग एंड लॉजिंग प्लान्स टू अरेंज द इक्विपमेंट्स लाइक बेडिंग्स पिलोज बेडशीट एक्सेट्रा प्लान फॉर द गुड मील्स टू द टीम्स एंड ऑफिशियल प्री वर्क में ये पहले से ही पता करेंगे कि कौन कौन सी टीम आउट स्टेशन है कौन सी टीम uh, ट्रेन से आ रही है कौन सी टीम बाय बस आ रही है कौन सी टीम बाय फ्लाइट्स आ रही है तो उनको कैसे मैनेज करवाना है उनकी ट्रैवलिंग कैसे मैनेज करवाना है फ्रॉम स्टेशन टू द वेन्यू और द लॉजिंग uh, एरिया तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है नाउ ड्यूरिंग द टूर्नामेंट दिस कमेटी मैनेज द कम्फर्टेबल स्टे ऑफ आउट स्टेशन टीम टू प्रोवाइड गुड मील्स फॉर द टीम विदाउट डिस्टर्बिंग देयर मैच शेड्यूल्स अब उसके बाद क्या होता है इनका काम उन सारी टीमों को अरेंज करना उनकी बेडिंग फैसिलिटी उनकी अकोमोडेशन फैसिलिटी उनकी फूडिंग की फैसिलिटी सारी चीज़ों का काम बोर्डिंग एंड लॉजिंग का होता है पोस्ट वर्क टू कलेक्ट एंड रिटर्न द बोरोड इक्विपमेंट्स अब उसके बाद में जब टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा तो जैसे जैसे टीम्स जाती जाएगी उनसे सामान वापिस से सही से कलेक्ट करना और सारा सामान कलेक्ट करने के बाद जैसे जैसे जो चीज इन्होंने जमा की है उन चीजों को वापिस से सबमिट करने का काम इनका है नाउ नेक्स्ट इज सेरेमोनियल कमिटी सेरेमोनियल कमेटी का काम ये होता है कि ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी पे जितनी भी चीजों की जरूरत है आर्ट डेकोरेशन ये आ, रंगोली कलर्स और चीफ गेस्ट के वेलकम्स वो सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेरेमोनियल कमेटी की होती है अब इनका प्री वर्क होता है दिस कमेटी हैंडल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी अज द रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स डेकोरेशन ऑफ पांडाल स्टेज अरेनाज एक्सेट्रा इनका काम होता है वहाँ की सारी अरेंजमेंट्स को देखना उनको डेकोरेटिव तरीके से और भी स्टेज को अच्छा बनाना ड्यूरिंग द टूर्नामेंट द कमेटी मैनेज द गेस्ट ऑफिशियल ड्यूरिंग ओपनिंग एंड सेरेमनी क्लोजिंग सेरेमनी सेरेमोनियल वेलकम्स एंड स्पीचेस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सिक्वेंस एक्सेट्रा नाव ड्यूरिंग द टूर्नामेंट में क्या होता है चीफ गेस्ट को वेलकम करते हैं ऑफिशियल और चीफ गेस्ट जो भी होते हैं उनका ओपनिंग सेरेमनी में वेलकम करना क्लोजिंग सेरेमनी में उनका वेलकम करना ड्यूरिंग द इवेंट उनका ध्यान रखना ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में और उनको क्या क्या जरूरत है उनकी स्पीचेस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और जो भी सिक्वेंस है उसका ध्यान रखना पोस्ट वर्का पोस्ट वर्क में इनका होता है जो भी रिटर्न इक्विपमेंट्स है मतलब जो भी इक्विपमेंट्स इनके पास है उनको कैसे इनको रिटर्न करना है बस इनका यही काम होता है प्रेस एंड मीडिया कमेटी प्रेस एंड मीडिया कमेटी का उसको पूरे को कवर करना है टूर्नामेंट्स को या फिर फोटोग्राफी करना उसको आ, वीडियोग्राफी करना न्यूज़पेपर में देना सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे देना ये काम प्रेस एंड मीडिया का होता है तो इनका प्री वर्क क्या होता है टू इन्फॉर्म मीडिया एंड प्रेस अबाउट द टूर्नामेंट टू इन्फॉर्म प्रेस अबाउट डिग्निफाइड गेस्ट ड्यूरिंग द टूर्नामेंट होता है टू मेक डेली रिपोर्ट फॉर प्रेस नोट एंड कोऑर्डिनेट विद मीडिया परसन पोस्ट वर्क टू हाईलाइट द मेन फीचर ऑफ़ द टूर्नामेंट इन एन इम्प्रेसिव वे अब पहले ये क्या करेंगे जो भी मीडिया और प्रेस है उनसे कंसल्ट करेंगे कि टूर्नामेंट हो रहा है इतने दिन का टूर्नामेंट है आपको आना है और उस चीज़ को कवर करना है ये ये हमारे गेस्ट है अब ड्यूरिंग द टूर्नामेंट ये डेली रिपोर्ट्स तैयार करेंगे और रिपोर्ट तैयार करने के बाद में रिपोर्टर्स को देंगे या फिर मीडिया को प्रेस को देंगे ताकि जो उनकी डेली इंफॉर्मेशन है वो न्यूज़पेपर में जाए सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर जाए और पोस्ट वक्त में इनका आएगा कि ये कैसे हाईलाइट्स टूर्नामेंट को हाईलाइट जो उसके हाईलाइटेड पॉइंट होते हैं टूर्नामेंट के सपोज कोई ओवर um, अचीवमेंट है कोई रिकॉर्ड होल्डर है या फिर कोई अच्छा चीफ गेस्ट है उस चीज़ को कैसे हाईलाइट करना है ये उसको दिखाएंगे सो इन दिस वे देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कमिटीज़ वी हैव डिस्कस्ड और भी बहुत तरह की कमिटीज़ होती है जैसे कि फर्स्ट एड कमेटी हो गई ग्राउंड कमेटी हो गई और बहुत सारी मतलब डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज़ हम बना सकते हैं इट इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इवेंट और टाइप ऑफ टूर्नामेंट यू आर ऑर्गेनाइजिंग सो हमने पढ़ा अभी बहुत सारी तरह तरह की कमिटीज़ ठीक है तो इसके बेस पे हम आ, हम बता सकते हैं कि हम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कराएंगे तो हमको कैसी कौन कौन सी कमिटीज चाहिए उनके प्री वर्क क्या होते हैं उनके पोस्ट वर्क क्या होते हैं और ड्यूरिंग द टूर्नामेंट वो क्या वर्क करेंगे तो आगे बढ़ते हैं अब हम, हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे है टूर्नामेंट

तो इन अदर वर्ड वी कैन से दैट इट इज अ कंपटीशन टू डिसाइड द विनर और टॉप रैंक टीम ये ऐसा टूर्नामेंट होता है जिसमें हम टॉप रैंक टीम को डिसाइड करते हैं इट इज अ स्पोर्ट्स फेस्टिवल वे टीम्स प्ले अगेंस्ट इच अदर इन अ कॉन्जेनियल वे टूर्नामेंट आर इसेंशियल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन करिकुलम करिकुलज आर द बेस्ट वेज फॉर सैटिस्फाइंग ऑफ मतलब टूर्नामेंट का सिंपली मीनिंग वही है जो आपको पता होता है. Kind of festival, ठीक है ऐसा फेस्टिवल होता है जहां पे सारी टीम एक दूसरे से पार्टिसिपेट करती है विद अटिशन तो नेक्स्ट इज कितने तरह के टूर्नामेंट होते हैं देर आर फोर टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट पहला होता है नॉकआउट दूसरा होता है लीग तीसरा होता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट और चौथा होता है चैलेंज टूर्नामेंट तो अभी आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन से तरह के टूर्नामेंट होते हैं ठीक है तो नॉकआउट टूर्नामेंट वही होता है जिसमें एक टीम अगर कोई मैच हार गई तो वह आगे नहीं जाएगी और लीग टीम लीग और राउंड रोबिन जो टूर्नामेंट होता है उसमें टीम्स एक दूसरे से इक्वल नंबर ऑफ मैचेस पार्टिसिपेट करती है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में हम ये बोल सकते हैं कि दो टाइप ऑफ टूर्नामेंट के कॉम्बिनेशन होते हैं जैसे कि नॉकआउट कम लीग हो गया चैलेंज टूर्नामेंट में टीम एक दूसरे को चैलेंज करती है और अपने आप को आगे लेके जाती है सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्क्राइब दिस होल टूर्नामेंट कि नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है उसके एडवांटेज क्या होते हैं डिसएडवांटेज क्या होते हैं लीग टूर्नामेंट क्या होता है उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज uh, तो आज हमने रीड किया कमिटीज़ और उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी तरह की कमिटीज़ होती है जैसे कि चेयर पर्सन होता है जो मेन पर्सन होता है उसके बाद में चीफ टेक्निकल एडवाइज़र होता है ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी होता है ग्राउंड अरेंजमेंट कमिटीज होती है टेक्निकल कमिटीज होती है जिसमें ऑफिशियल्स होते हैं डिसिप्लिन कमिटीज होती हैं जो डिसिप्लिन को देखती है रिसेप्शन कमेटी होती है जिसका काम होता है सारी टीम्स को अटेंड करना फाइनेंस कमेटी होती है जो टीम का फाइनेंस जो भी खर्चा हो रहा है उस सबको मैनेज करता है उसके बाद में बोर्डिंग एंड लॉजिंग सेरेमोनियल कमेटी प्रेस एंड मीडिया कमेटी सर्टिफिकेट राइटिंग कमेटी फर्स्ट एड कमेटी ट्रांसपोर्टेशन कमेटी अनाउंसमेंट कमेटी रिकॉर्ड कमेटी बुलेटिन कमेटी ऐसी बहुत सारी तरह बहुत टाइप्स की कमेटी होती है तो आई होप यू अंडरस्टैंड और टूर्नामेंट भी हमने देख ही लिया है तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्क्राइब दिस टाइप्स दिस टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट नॉकआउट टूर्नामेंट लीग टूर्नामेंट और उसके बाद हम देखेंगे कि फिक्चर्स क्या होते हैं Hope you all understand these uh, things, types of committee and their work. Thank you.